तो इस वीडियो में आज हम बिल्ड करेंगे एक पीसी जिसका मार्केट में प्राइस होगा लगभग 7,000 रुपीज़, या वहाँ पर हम यूज़ करने वाले एसएसडी। आप अगर चाहो तो वहाँ पर हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो, या कुछ यूज़ प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यूज़ हार्ड ड्राइव, यूज़ मदरबोर्ड। तो वहाँ पर आपका जो कॉस्ट था वो और भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, लगभग 5,000 या 6,000 के आसपास हो जाएगा। तो क्या इतना लो प्राइस में आज का डेट में यानी कि 2020 ईयर में पीसी बिल्ड करना पॉसिबल है या नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पीसी बिल्ड कर सकते हो, जो जो पार्ट यहाँ पर यूज़ होगा हर एक पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट बाई कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो तो लोकल मार्केट पर भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, तो हो सकते हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है और भी कम वहाँ पर मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे बिल्ड कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट इस पीसी बिल्ड के लिए यूज़ किया गया है। इस पीसी से आप यहाँ पर चाहते हो कि गेम खेलना जो 100 MB या 1 GB का गेम, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना लो प्राइस में आपको पता है पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पीसी का आप यूज़ कर सकते हैं आपका एडुकेशन के पर्पस पे, जो आपका काम होता है प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, या आपका ऑफिस का नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या आप GST ऑफिस पर काम करते हो, या किसी और ऐसा काम जो ब्राउज़र पर होता है, या मूवी देखना, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ का जो काम है वो कर सकते हो, यहाँ पर आप हैवी काम नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम यूज़ करेंगे एक मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड है जेब्रोन की तरफ से आता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे एक कॉम्बो जहाँ पर आपको मदरबोर्ड के साथ साथ रैम एंड सीपीयू भी एंड जो फैन है कूलिंग फैन वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक एक करके बाय करोगे तो यहाँ पर कॉस्ट आपको और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इसमें आपको मिलता है एक मदरबोर्ड जो है जेब्रोन की तरफ से आता है, जो मॉडल नंबर है आपका G41। ये काफ़ी अच्छा है G31 से, आप अगर जा सकते हो यहाँ पर G31 के साथ, तो यहाँ पर आपका प्राइस और भी लगभग 800 या 600 रुपीज़ यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप G41 के साथ जाइए। तो G41 यहाँ पर मदरबोर्ड मिलता है, उसके साथ आपको मिलता है एक रैम 2 GB का DDR3 का, इसके साथ आपको एक प्रोसेसर मिलेगा जो इंटेल की तरफ से आता है जिसका नेम है कोर टू डुओ प्रोसेसर। मैं समझ सकता हूँ कि कोर टू डुओ प्रोसेसर या 2 GB रैम एक पीसी के लिए काफ़ी नहीं है, फिर भी आप मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से पहले जो बताया था जो काम के लिए, अगर वही काम करते हो नॉर्मल मूवी देखना, MP3 जो सॉन्ग है वो यहाँ पर ऑडियो, तो इस सब काम के लिए सही है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको और एक चीज़ ऐड करना होगा, यहाँ पर 2 GB काफ़ी नहीं है, आपको और एक 2 GB बाई करना होगा जिसका प्राइस अराउंड 500 या 600 अभी सो रहा है इंटरनेट पर, लेकिन लोकल मार्केट में जाओगे तो आपको यहाँ पर 300 या 400 तक मिल जाएगा। तो आपको और एक रैम बाई करना होगा, किधर से चाहे वहाँ से बाई कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर, आपको ये कॉम्बो बाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक फ़ैन भी मिल जाएगा, कूलिंग फैन जो सीपीयू के ऊपर होता है, तो एक सीपीयू मिल जाएगा, एक कूलिंग फैन मिल जाएगा, एक मदरबोर्ड, एक रैम मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग हो गया। इसके बाद और क्या चीज़ चाहिए, और एक रैम चाहिए जो आपको बाई करना होगा, आप ऑनलाइन से या ऑफलाइन से बाई कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जो यहाँ पर रैम आप बाई कर रहे हो यानी कि इस मदरबोर्ड पे जो रैम है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वही रैम आपको मार्केट से बाई करना होगा। तो आप बात करते हैं इसके बाद आपको कौन सा जो है प्रोडक्ट परचेस करना होगा, वो है आपका हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हार्ड डिस्क भी बाई कर सकते हो या SSD बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर SSD जो है उसका प्राइस ज़्यादा है, हार्ड डिस्क का प्राइस कम है। हार्ड डिस्क लगभग आपको अगर आप बाई करते हो लगभग 360 GB, तो यहाँ पर 900 से 1,000 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप बाई करते हो 120 GB SSD, तो आपके यहाँ पर प्राइस जाने वाला है लगभग 2,000 रुपीज़ के आसपास। तो आपका यहाँ पर चॉइस है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बाई करोगे, SSD या हार्ड डिस्क, तो आप वहाँ पर बाई कर सकते हो आपके हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पर आता है आपका और एक प्रोडक्ट जो है कैबिनेट। तो यहाँ पर कैबिनेट कौन सा बाई करोगे, तो कैबिनेट होगा यहाँ पर नॉर्मल सा आप बेसिक यूज़ कर सकते हो जिसका प्राइस मार्केट में होगा लगभग 800 से 900 रुपीज़, जो फॉक्सिन या और भी काफ़ी सारे ब्रांड है जिसकी तरफ से आता है लो प्राइस में, आपका 1,000 के अंदर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा कोई ना कोई कैबिनेट, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से इंपोर्ट जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो इसके लिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया, जो पहले 800 था अभी वो 900 या 1,000 हो चुका है। तो आपको बाय करना होगा वो एक कैबिनेट। अगर आप चाहो तो ये जो देख सकते हो इस तरह का जो RGB कैबिनेट है वो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका जो प्राइस था वो और भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि इस कैबिनेट का प्राइस 2,000, तो यहाँ पर मैं आपको बोला था कि 7,000 रुपीज़ के अंदर पीसी बिल्ड करना है, तो यहाँ पर आपको और 1,000 या
2000 जितना चाहो आप कैबिनेट वहाँ पर बाई कर सकते हो, तो आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो आपको एक कैबिनेट बाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैबिनेट के अंदर ही SMPS मिलता है, तो आपको मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके ऊपर फैन भी हो गया, हार्ड डिस्क भी हो गया, तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पर चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा। आप अगर इस कॉम्बो को बाई करोगे या टोटल फिट करोगे एक पीसी के लिए, तो कितना यहाँ पर आपका जो है आपको पे करना होगा। तो अगर यहाँ पर फास्ट बाई करते, चलिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर फास्ट बाई करते जो कॉम्बो था मदरबोर्ड का, उसका तो उसका प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है लगभग 3700 रुपीज़। तो इतना नहीं था और भी काफ़ी ज़्यादा कम था। आप एक बार लोकल मार्केट में ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पर चलिए 3700 रुपीज़ प्लस आपको और एक रैम बाई करना होगा जो है लगभग 600 रुपीज़। उसके अलावा आपको एक हार्ड ड्राइव बाई करना होगा, तो यहाँ पर मान लेता हूँ 1000 रुपीज़ का आप एक हार्ड ड्राइव वहाँ पर बाई कर रहे हो, तो 1000 रुपीज़ हो गया। इसके अलावा आपको और क्या बाई करना होगा, एक कैबिनेट जो मैं पकड़ता हूँ 1000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो गया काफ़ी, यानी कि मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, आपका कैबिनेट, हार्ड ड्राइव भी हो गया। तो यहाँ पर टोटल आपका हो रहा है 6300 रुपीज़। आप अगर यहाँ पर देखोगे लोकल मार्केट पे जाओगे, तो और भी आपका जो प्राइस था 6300 रुपीज़ नहीं होगा, इससे और भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, लगभग 5500 या 6000 रुपीज़ अंदर ही हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहो तो यहाँ पर क्या क्या ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप SSD अलग से ऐड कर सकते हो, SSD तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ और ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जो कैबिनेट में आपको दिखाया था थंबनेल में, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए और 1000 ज़्यादा लगेगा। तो लगभग यहाँ पर अगर मैं 2000 यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो लगभग 8000 के आसपास आपका यहाँ पर आपको पे करना होगा, तो आपको एक PC यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है जो मैं आपको बताया। नॉर्मल सा अगर आपको PC चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप PC है, आपको एक सेकेंडरी PC या लैपटॉप चाहिए बेसिक काम के लिए, तो बिल्कुल सही होगा। ये जो नॉर्मल चीज़ है 6300 रुपीज़ के अंदर हो रहा है, वही आप PC बिल्ड करिए। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इससे आपका काम सही से हो जाएगा, क्योंकि मैं यूज़ किया हूँ इसी जो है मॉडल के ऊपर, या इसी मदरबोर्ड के ऊपर मैं यूज़ किया हूँ, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपका जो काम है वो सही से हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इतना लो प्राइस में भी आज का टाइम में आप PC बिल्ड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल काम के लिए आप यहाँ पर गेमिंग या कुछ हार्डवर्क जो है एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। मैं फिर भी आपको और एक बार बोल रहा हूँ, आप अगर यहाँ पर बाई करने के बाद इसको असेंबल करने के बाद चाहते हो कि एक गेम करूँ PUBG या इस टाइप का गेम, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है, मैं तो मार्केट से बाई कर लूँगा, उसके बाद इसको असेंबल कैसे करूँगा, तो उसका भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द इस चैनल में। 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे आप एक PC को असेंबल कर सकते हो ऐसे प्रोडक्ट बाई करके, तो उसका वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि बाद में जो भी वीडियो आएगा इस टाइप का आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको लैपटॉप चाहिए बहुत ही लो प्राइस के अंदर, जिसका प्राइस होगा लगभग 15000 या 40000 रुपीज़ के अंदर, उसमें आपको 4GB रैम या काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाके आपको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ कल किसी और न्यू वीडियो के साथ।